Students, this is Dr. Vibha Tiwari and I'm back with another video on the poem To a Skylark by the famous romantic poet P.B. Shelley. So let's have the text, because here I would like to mention that I had taken up the first two stanzas of this poem in my previous video. So today I'm going to take up the third one. In the golden lightning of the sunken sun, o'er which the clouds are brightening, thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun. See, in my previous video, I had told you people that the whole poem is replete with a simile. That is the figure of speech which dominates the whole poem. So here also, poet has very beautifully used that figure of speech. He says, at the time of evening, when the whole sky is covered with clouds, the clouds tend to get the golden lightning from the sinking sun. डूबते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी रोशन कर देती है बादलों को भी जो आसमान में होते हैं शाम के वक्त. और ऐसे टाइम पर thou dost float and run, one can see the bird flying in the sky, and it appears to an onlooker that instead of flying, the bird is floating and running. वो इतना स्मूथली फ्लाई कर रहा होता है बर्ड कि किसी देखने वाले को ये एहसास होता है कि मानो वो बर्ड फ्लाई करने की बजाय तैर रहा हो या दौड़ रहा हो. लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन. बहुत खूबसूरती से पोइट ने सिमिली यूज़ करते हुए बोला कि उसका वो दौड़ना, वो चलना, या उसकी जो उड़ान है, टू बी मोर प्रसाइज, दैट फ्लाइट ऑफ द बर्ड कैन बी कंपेयर्ड टू जॉय, दैट जॉय विच हैज़ जस्ट कम इन द लाइफ ऑफ समवन. किसी की लाइफ में आए हुए जॉय जो कि अनबॉडीड है, निराकार है, जाहिर बात है इट्स अ फीलिंग, जॉय इज़ अ फीलिंग, सो इट विल बी अनबॉडीड. जैसे किसी की ज़िंदगी में अभी अभी कोई बहुत बड़ी खुशी आई हो, तो वो जो सडन इम्पैक्ट होता है उस खुशी का, वो आप महसूस कर सकते हैं, बहुत पावरफुल होता है. उसी पावर के साथ द बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई एट द टाइम ऑफ इवनिंग व्हेन द होल स्काई इज़ अपीयरिंग टू बी ऑफ गोल्डन कलर बिकॉज द गोल्डन लाइट ऑफ द सिंकिंग सन इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स. डूबते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी जो बादल हैं आसमान में वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से वो खुद भी गोल्डन लग रहे हैं. और ऐसे माहौल में, ऐसे बैकग्राउंड में जो बर्ड है वो उड़ रहा है आसमान में, पोएट ने ये कहा, किसी देखने वाले को ऐसा लग सकता है कि मानो वो दौड़ रहा हो, तैर रहा हो. और ऐसे जो बर्ड की फ्लाइट है उसको कंपेयर करते हुए पोएट ने कहा है कि वो ऐसे लग रहा है जैसे किसी की ज़िंदगी में निराकार खुशी अभी अभी आई हो. तो वो जो इम्पैक्ट होता है उस हैप्पीनेस का, उसी सेम इम्पैक्ट को फील किया जा सकता है इस बर्ड की उड़ान में भी. The pale purple even melts around thy flight like a star of heaven in the broad daylight. Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. Continuing the same vein, he says, the pale purple even melts around thy flight. Because the bird is flying at the time of evening, and the bird is very much visible against the background of purple evening. So the poet is comparing it with the star of heaven in broad daylight. What happens in day, though the stars are very much in the sky, but we cannot see them. In the same way, the bird is not visible to the poet, but he can make out that the bird is there in very much near his surroundings because of its voice. He says, thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. I cannot see you, O bird, but I can listen to your voice, which is full of utter delight, and that's why I can guess that you are very much near to me. कि जो शाम का धुंधलापन है उसके अगेंस्ट ये बर्ड उड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे शाम का वो धुंधलापन मेल्ट हो रहा हो, पिघल रहा हो इसकी उड़ान के चारों ओर, बिकॉज वो बर्ड शाम के बैकग्राउंड में भी दिख रहा है, तो वो
अंधेरापन जो है, पर्पल कलर का जो बैकग्राउंड हो गया है शाम के वक्त, धुंधला सा बैकग्राउंड, वो मेल्ट हो रहा है बिकॉज बर्ड जो है वो साफ साफ दिख रहा है, तो उसकी उड़ान के सामने मानो वो पर्पल इवनिंग भी छूट रही हो। तो पोइट ने इस चीज़ को कंपेयर करते हुए कहा है कि ये जो बर्ड है, इट्स लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, जैसे स्वर्ग का कोई तारा इन द ब्रॉड डे लाइट, जैसे दिन के टाइम पे जो तारे होते हैं आसमान के वो नहीं दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं चले जाते हैं, दे आर वेरी मच इन द स्काई बट वी आर नॉट एबल टू सी देम बिकॉज ऑफ द सनलाइट। तो पोइट कह रहा है कि जो दिन में, भरपूर दिन में जो तारे होते हैं वो हमें नहीं दिखते हैं, उसी तरह से द बर्ड दाउ आर्ट अनसीन, आर्ट आर, आई टोल्ड यू द होल पोइम हैज बीन रिटन इन आर्काइक इंग्लिश बिकॉज दैट वाज द थिंग दैट वाज प्रेवलेंट इन दैट टाइम व्हेन कीट्स एक्चुअली रोट दिस पोइम। कीट्स के टाइम पे आर्काइक इंग्लिश चलती थी, इस वजह से आर्ट उसने यूज़ किया इंस्टेड ऑफ आर, दाउ यूज़ किया यू की जगह। सो ही सेज दाउ आर्ट अनसीन, बर्ड दिख नहीं रहा, दाउ आर्ट अनसीन, यू आर अनसीन, ओ बर्ड आई कैनॉट सी यू, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, बट येट, लेकिन फिर भी आई हियर दाई श्रिल डिलाइट, तुम्हारी खुशी से भरी हुई चीख सी, जो तेज़ आवाज़ है खुशी की, वो मुझे सुनाई पड़ रही है। सो जैसे दिन में तारे नहीं दिखते हैं बट हमें एहसास रहता है कि वो आसमान में हैं, उसी तरह से ये बर्ड मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन इसकी जो खुशी से भरी हुई आवाज़ मैं सुन रहा हूँ उससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये बर्ड यहीं मेरे आसपास ही कहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।